हेलो, डेटा स्ट्रक्चर में आज का टॉपिक है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हम पढ़ चुके प्रीवियस वीडियोस में, लिस्ट है, टपल है, सेट है, वो सब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, तो डिक्शनरी भी उनमें से एक है। और डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ये एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, इस मीन्स इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। और डिक्शनरी कंटेन्स की एंड वैल्यू, और जब आप डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ें देनी होंगी, एक तो की और एक उसकी वैल्यू। ये कैसे लिखेंगे ये बताएंगे आपको अभी हम थोड़ी देर में। और डिक्शनरी कैन बी नेस्टेड, इट मीन्स डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी बना सकते हैं। और डिक्शनरी कैन हैव लिस्ट, टपल एंड सेट ऑल्सो। और डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हैं, टपल भी बना सकते हैं और सेट भी बना सकते हैं। और जब आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे तो आपको ये दो सिंबल का यूज़ करना होगा, जिस तरीके से हम सेट में भी यही सिंबल का यूज़ करते हैं, राइट। और इंडेक्स नॉट अलाउड टू एक्सेस द डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी एक्सेस करेंगे तो इसमें इंडेक्स नंबर अलाउड नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। अब हम बताएंगे आपको क्रिएटिंग डिक्शनरी, एक्सेसिंग डिक्शनरी और एडिटिंग डिक्शनरी। तो चलते हैं हम आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई में, और अब मैं आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने किया ए इज इक्वल टू ओपन क्लोज ब्रेसेस, और जैसे आप एंटर करेंगे तो ए नाम की डिक्शनरी एक इसमें क्रिएट हो चुकी। अब चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं टाइप ए, तो ये देखिए बता रहे हैं कि ये एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी बनाने के लिए एक डिक्ट नाम का फंक्शन भी होता है, DICT डिक्ट, वो उसको ऐसे यूज़ करते हैं बी इज इक्वल टू DICT डिक्ट, और इसके आगे पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे तो बी नाम की भी एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी, और ये एम्प्टी डिक्शनरी है बी भी और ए भी। और अब चाहें तो इसकी भी आप टाइप चेक कर लेते हैं बी, तो देखिए बता रहा है कि ये भी एक डिक्शनरी है। और अब हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें वैल्यू भी इंसर्ट करानी है। सपोज मैंने किया STD स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, और मैंने नाम दे दिया और उसके बाद स्टूडेंट का नाम, उसके बाद कोमा, और अब एज, और ये उसकी एज। तो ये देखिए इसमें जैसे आप एंटर करेंगे तो STD नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख भी सकते हैं, तो ये बताएगा कि ये एक डिक्शनरी है। ये पहचान है, जो ब्रेसिस हमने लगाए हैं लास्ट में, ये पहचान है कि ये एक डिक्शनरी है। हालांकि जो ब्रेसिस होते हैं ये सेट में भी लगते हैं, लेकिन डिक्शनरी में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डिक्शनरी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो की और एक उसकी वैल्यू। तो ये की हो गई नेम, ये उसकी वैल्यू, दूसरी की हो गई और ये इसकी वैल्यू। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ एज की वैल्यू प्रिंट करनी 22, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, प्रिंट STD या डिक्शनरी का नाम आएगा और उसके बाद आएगा आपको की का नाम। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि एज नाम की जो की है उसकी वैल्यू 22 है। ऐसे आप अगर नेम डाल देंगे तो फिर ये नाम प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन आप इंडेक्स नंबर को यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप यहाँ पे STD 0 डाल देंगे तो ये एरर देगा, ये देखिए, चूँकि इंडेक्स नंबर इसमें अलाउड नहीं है, राइट। और अगर हम जो की हमारी नेम है, एज है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग टाइप की होती है, ये इंटीजर टाइप की भी हो सकती है। ये देखिए मैंने किया सपोज x इज इक्वल टू और ब्रेसिस के अंदर 1, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद मैंने लिखा सपोज 2, और यहाँ पे मैंने इंडिया कंट्री का नाम डाल दिया। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये भी डिक्शनरी बन चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ प्रिंट उसके बाद x, अब यहाँ पर 1 लिखेंगे अगर, तो ये इसकी वैल्यू को शो कर देगा, ये देखिए राम आ गया। तो ये जो की है हमारी, ये हम न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये तो था कि डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि डिक्शनरी को एडिट कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, सपोज वही STD इज इक्वल टू, और ये मैंने की ले लिया नेम, और ये उसकी वैल्यू, उसके बाद फिर मैंने लिखा एज, और ये उसकी वैल्यू। तो ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, और अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ इसको, प्रिंट STD, तो ये देखिए प्रिंट किया इसने, नेम की वैल्यू ये, एज की वैल्यू ये। अब मुझे सपोज एज चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, STD जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, और उसके बाद की का नाम एज, और इक्वल टू करके आप यहाँ पे एज डाल दीजिए। सपोज मैं 22 डाल दिया, तो STD जो डिक्शनरी है उसमें जो एज नाम की जो की है उसकी वैल्यू अब 25 हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ प्रिंट करके देख सकते हैं, तो ये देखिए जब प्रिंट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि डिक्शनरी जो होती है एक्चुअली वो म्यूटेबल होती है, आप इनकी वैल्यूज़ को एडिट भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एज नाम की जो की है मुझे इसको रिमूव करना है, तो फिर उसके लिए आप यूज़ करेंगे del और STD, और यहाँ पर डाल देंगे एज,
तो ये देखते हैं कि ये क्या करता है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये एसटीडी जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो एज नाम की है ये उसको रिमूव कर देगा। अब अगर मैं एसटीडी को प्रिंट करता हूँ तो एज वहाँ पे गायब हो चुका, ये देखिए। तो डेल से हम किसी भी की उसकी वैल्यू को हटा सकते हैं, और अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करानी हो एक्स्ट्रा अपनी डिक्शनरी के अंदर, जैसे इस टाइम हमारी एसटी डिक्शनरी के अंदर क्या है, तो नाम है और कुछ है ही नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे एज और सिटी का नाम और ऐड करना है इसी डिक्शनरी के अंदर। तो आप एक काम करेंगे, आप एक टेम्परेरी अप डिक्शनरी बनाइए इस तरीके से, उसमें आ जाएगा आप तो एज, और ये आ गई एज। उसके बाद मुझे सिटी भी लाना है, और ये आ गया सिटी का नाम। और इस तरीके से ये डिक्शनरी एक और बन चुकी है, और ये थोड़ी सी कहने की मिस्टेक हो चुकी, एज 22 और सिटी, यहाँ पे कोलन आएगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो फिर से बना लीजिए एक्स इज इक्वल टू एज, और ये 22, उसके बाद सिटी, और ये दिल्ली। ये मैंने इसमें एक डिक्शनरी एक्स्ट्रा बनाई। अब ये देखिए, अगर मैं करता हूँ एस टी डी को प्रिंट तो ये प्रिंट करेगा नेम और राम, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को तो ये प्रिंट कर रहा है एज और सिटी। ये अब मुझे ये जो वैल्यूज़ है एक्स की, ये मुझे एस टी डी नाम की डिक्शनरी में ऐड करनी है। तो हम करेंगे एस टी डी डॉट अपडेट। अपडेट एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, और इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स को। तो जो एक्स नाम की डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, ये सब वैल्यूज़, ये सब की सब वैल्यूज़ एस टी डी नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। अब जैसे आप एंटर करेंगे और फिर एस टी डी को प्रिंट करके देखिए, तो ये देखिए ये वैल्यू जो थी एज और सिटी, ये इसमें यहाँ पे आके ऐड हो गई। तो डिक्शनरी जो है हमारी वो म्यूटेबल है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और किसी कीज़ को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। डिक्शनरी में ही नेक्स्ट टॉपिक है कीज, वैल्यूज, आइटम्स, ये मेथड्स हैं। अब देखते हैं इन मेथड का क्या रोल है। ये आ गए हम आईडीई में, और मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिए पहले की तरह, नेम और ये इसकी वैल्यू, उसके बाद एज और ये इसकी वैल्यू, राइट। ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, और अब मुझे क्या करना है, कीज फंक्शन को यूज़ करना है। तो कीज जो मेथड है वो क्या करेगा, प्रिंट एस टी डी डॉट कीज। ये देखिए ये जो कीज़ है नेम और एज, ये सिर्फ इन कीज़ को प्रिंट कर रहा है। ये देखिए नेम प्रिंट हो गया और एज प्रिंट हो गई, और आप समझ गए होंगे कि वैल्यूज़ फंक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं एस टी डी डॉट वैल्यूज़, तो ये सिर्फ उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, राम और 20, ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। और अगर हम यूज़ करते हैं आइटम्स मेथड को, प्रिंट एस टी डी डॉट आइटम्स, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट करेगा। और इसका प्रिंट करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, इसने क्या किया, इसकी टपल बनाई है नेम और राम, देखिए ये तो अलग बन गई, और उसके बाद एज की इसने अलग टपल बना ली है। तो इस स्टाइल में ये प्रिंट कर रहा है, आइटम्स मेथड से दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, और कीज से कीज प्रिंट हो जाएंगी, और जो हमारा वैल्यूज मेथड है उससे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, राइट। डिक्शनरी में ही नेक्स्ट टॉपिक है लूप विद डिक्शनरी, मीन्स डिक्शनरी के साथ लूप को कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है एस टी डी के नाम से, और 3 इसमें कीज हैं, नेम, एज और सिटी। और अब मैं इसमें एक लूप डाल देता हूँ फॉर आई इन एस टी डी, और प्रिंट किया मैंने आई को। अब जब इसको रन करते हैं सेव करके, तो देखना ये जितने भी कीज इसके अंदर हैं उन सबको इसने प्रिंट किया, नेम, एज, सिटी, नेम, एज और सिटी। और अगर मैं यहाँ पे एस टी डी के आगे कीज मेथड को यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, तब भी ये सभी कीज़ को प्रिंट करेगा। ये मैंने रन किया तो देखिए फिर से सभी कीज़ प्रिंट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यूज़, वैल्यूज मेथड को मैंने यहाँ पे डाल दिया, और आप समझ गए होंगे अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये इन सब को प्रिंट करेगा। तो ये देखिए जो वैल्यूज़ हैं वही प्रिंट हो जाएगी, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम्स मेथड, ये मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, आइटम्स, और अब इसको रन करेंगे तो अब ये दोनों चीज़ें प्रिंट करेगा। ये देखिए नेम भी प्रिंट कर रहा है और उसकी वैल्यूज भी आ गई है, ये कीज के नाम भी आ गए, उनकी वैल्यूज भी आ गई, और टपल के फॉर्म में आई है, राइट। तो इसको हम अपने स्टाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ आई कोमा जे, इसका मतलब ये हो गया कि आई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी की, और जे के अंदर आएगा उसकी वैल्यू। तो नेम तो आ गया आई के अंदर, राम आ गया जे के अंदर, ऐसे एज आ गया आई के अंदर, 22 आ गया जे के अंदर। अब मैं इसको ऐसे प्रिंट कर देता हूँ कि की इज इक्वल टू, और यहाँ पे तो आई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने किया प्रिंट
वैल्यू इज इक्वल टू, और ये मैंने जे प्रिंट किया। अब ये देखिए किस स्टाइल में प्रिंट करेगा, और ये मैंने सेव किया, और जैसे रन करेंगे तो अब ये इस स्टाइल में की तो होगी नेम, वैल्यू होगी ये, की होगी एज, वैल्यू होगी ये। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं आइटम्स मेथड से, अपनी कीज को भी और वैल्यूज को भी। डिक्शनरी में ही नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी डिक्शनरी, कि एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कैसे करते हैं। दो तरीके हैं, एज वैल्यू एंड विद रेफरेंस। ये आ गया हम आईडीई में, और मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है सिंपल सी, नेम, और ये इसमें नाम डाल सपोज राम, उसके बाद एज, और डाल दी एज, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉपी की बी इज इक्वल टू ए, और अगर बी को प्रिंट करता हूँ इस तरीके से, देखिए बी मैंने प्रिंट किया तो सेम प्रिंट हो गया, जो ए की वैल्यूज थी वो बी के अंदर भी कॉपी हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को चेंज करता हूँ ऐसे, बी नेम इज इक्वल टू राम था, देखिए बी के नेम की जो की है उसमें राम है, अब मैंने उसको नाम को चेंज कर दिया, श्याम कर दिया। तो अब अगर मैं बी को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट बी, तो ये देखिए नाम श्याम हो चुका, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो वहाँ चेंज हो चुका। तो अगर इस तरह से आप कॉपी करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए, तो इसे कहते हैं कॉपी विद रेफरेंस, तो रेफरेंस के अंदर आ गया, और बी को अगर आप चेंज करते हैं तो वो ए भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और अब हम कॉपी करते हैं ए वाली डिक्शनरी कॉपी सी में, और इस तरीके से कॉपी करेंगे कि अगर सी में चेंज करते हैं तो वो ए में चेंज ना हो। तो हमने किया सी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, तो ए की कॉपी सी में आ गई। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो ये प्रिंट हुआ, अब मैं प्रिंट करता हूँ सी को तो ये प्रिंट हुआ, और अब मैं सी की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो सी नेम, और यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया सपोज अजय, ये मैंने नेम डाल दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी को तो ये देखिए अजय आ गया, और अब मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो वही रहेगा जो पहले से था, क्योंकि हमने कॉपी फंक्शन से कॉपी करते हैं तो उसकी वैल्यूज इसके अंदर आ गई, रेफरेंस नहीं आया, इसलिए इसको चेंज करने से सी को ए पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डिक्शनरी में नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट टपल एंड सेट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट टपल और सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। ये आ गए हम आईडीई में, और अब मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देता हूँ एसटीडी, और यहाँ पे मैंने नेम, और नेम की वैल्यू सपोज राजू, और अब मैंने यहाँ पे लिखा एक डिक्शनरी का नाम, सॉरी की का नाम सब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए टपल बना के सब्जेक्ट के नाम, ये सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये मैथ, तो ये मैंने सब्जेक्ट के नाम डाल दिए टपल बना करके। और अब मैंने एक की और डाल दी इसमें, इसका नाम रखा मार्क्स, और अब मैं यहाँ पे इसके मार्क्स डाल देता हूँ लिस्ट बना करके इस तरीके से, ये देखिए। तो ये मैंने जो डिक्शनरी बनाई है, इस डिक्शनरी के अंदर आप देख रहे होंगे ये सब्जेक्ट्स जो की है इसमें टपल बनाई है, सब्जेक्ट के नाम दिए हैं, और जो मार्क्स नाम भी की है ये मैंने लिस्ट बनाई है। और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ये प्रिंट करके इसको शो कर रहा है। अब सपोज मैं चाहता हूँ मुझे सब्जेक्ट के नाम प्रिंट करने हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एसटीडी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे आप सब्जेक्ट्स, तो ये देखिए अब जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो आपके सामने आ गए, राइट। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मार्क्स प्रिंट करने हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एसटीडी और उसकी जो की है मार्क्स उसका नाम डाल दीजिए, और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इनका टोटल भी हो जाए, सम करना मुझे इन सभी मार्क्स का, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे प्रिंट और सम फंक्शन होता है, आप पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोज में, तो एसटीडी और यहाँ पे डाल देंगे हम उसकी की का नाम मार्क्स, तो जो मार्क्स थे ये इन सबको ये सम कर देना चाहिए, देखो ये इनका टोटल मार्क्स आ गया इन सभी का, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी किसी डिक्शनरी के अंदर टपल और लिस्ट भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेट कैसे बनेगा। देखिए मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, और इसमें लिया मैंने एक रोल नंबर, और ये इसका रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद लिया मैंने नेम, और ये मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद लिया सपोज मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम SUBJ सब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया। सेट की पहचान है, डिक्शनरी में भी सिंबल लगता है कर्ली ब्रेस, और सेट में भी यही सिंबल लगता है। और मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम डाले फिजिक्स केमिस्ट्री, और सपोज बाय मिस्टेक मुझसे फिर से फिजिक्स इंसर्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, और फिर यहाँ पे मैथ। तो इस सेट की आप जानते हैं खास बात होती है कि सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आते। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको
प्रिंट करके देखता हूँ एक्स को, तो ये देखिए जब प्रिंट करेंगे इसको तो ये आप देखिए इसमें केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स इसने एक ही बार लिया है, क्योंकि ये सेट है, तो सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। तो डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट भी बना सकते हैं, टपल भी बना सकते हैं और सेट भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।